हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही कि मैं आज इस वीडियो में पेपर से क्रिसमस ट्री बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ एक पेपर लूँगी जिसे एक कोन का शेप दिया और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कैंची की मदद से काट लिया। इसके बाद मैं एक ग्रीन कलर की पेपर लूँगी जिसे चार तहों में मोड़कर उसे बारी बारी एक झालर की तरह काट लूँगी और अब इसे पाइन ट्री की तरह शेप देने के लिए फेविकॉल के डब्बे से या जिस तरह के आपके पास डब्बे हो उससे रोल कर दीजिए ताकि नोखिला शेप दे सके। अब जिस कोन को हमने पहले ही बना रखा है उस पे फेविकॉल की मदद से अभी बनाए हुए पेपर के झालर को चारों तरफ बैठा देंगे। और अब दोस्तों, काले पेपर और कूट की मदद से हम यहाँ पेपर के बेस को तैयार करेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रहे और स्टैंड अप रहे। और अब बड़े ही प्यार से लिटिल राउंड शेप के कलरफुल कोरले को हम अपने क्रिसमस ट्री के चारों तरफ सजा देंगे जिससे कि हमारा क्रिसमस ट्री और भी प्यारा और भी रंगीन और बहुत खूबसूरत लगे। और अब रुई की मदद से और कोरले की मदद से मैंने इसे एक स्नो सा फील दिया है और इसको डेकोरेट कर दिया। तो आप लोगों को ये कैसी लग रही है सो मुझे आप कमेंट करके बताएं, और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।